हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं और प्रिंट कमांड कैसे स्टार्ट करते हैं। इस समय हमने तो आज हम देखेंगे कि प्रिंट कमांड में डिफरेंट क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं। लास्ट मैंने प्रिंट कमांड सिंपल आपको दिखा दी थी कि प्रिंट के साथ ब्रैकेट के अंदर अगर हम इन्वर्टेड कोड में जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ हमारी प्रिंट हो जाती है, ये हमने देखा था। प्रिंट हमारा ऑटो कैलकुलेटर का भी काम करता है। ऑटो कैलकुलेटर का मतलब क्या है कि अगर हम प्रिंट के साथ कोई भी कैलकुलेशन लिख दें तो वो उसे कैलकुलेट करके आपको शो कर देगा। तो प्रिंट हमारा ऑटो कैलकुलेटर का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, मैं पूरा प्रिंट किया आपको सारे जितने आपके ऑप्शन हैं सारे दिखा रही हूँ। नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट के साथ आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहती हूँ तो प्रिंट में क्या लिखूंगी, बीच में केवल वेरिएबल लिख देंगे तो ये इसका वेरिएबल आउटपुट हमें शो कर देगा कि सी की वैल्यू क्या है, 30। तो इस तरह से आप वेरिएबल को भी आउटपुट ले सकते हैं। अब इस वेरिएबल के साथ मैं कोई इंफॉर्मेशन भी देना चाह रही हूँ। मान लीजिए मैं लिखना चाह रही हूँ सम इज, तो आपको इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो इन्फॉर्मेशन के साथ आपका आउटपुट आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि दो लाइन में आपको दिखाई दे तो आप लिख सकते हो इस तरह से सम ऑफ ए एंड बी। आप ये और नेक्स्ट लाइन में आप देना चाहते हो सम इज लिखे तो हम स्लैश एन कमांड यूज करते हैं। स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ये देखिए तो दो लाइन में आपका आउटपुट आ रहा है। मैं इसके ऊपर वाला ये दोनों, मान लीजिए मुझे ये दोनों लाइन का आउटपुट नहीं चाहिए तो इसे कमिट करना कहते हैं। कमिट करने के लिए आप मल्टीपल लाइन को कमिट करने के लिए आप क्या करोगे, तीन बार कोट करोगे और जिस लाइन तक आपको नहीं चाहिए, मान लीजिए मैं नहीं चाहती कि हटमिट, डिलीट भी नहीं करना चाहती हूँ और यूज़ भी नहीं करना चाहती हूँ कि आउटपुट के टाइम पर ये यूज़ हो, तो आप इसे कमिट कर सकते हैं। तो ट्रिपल कॉलन से आप इसे कमिट कर सकते हो। अगर कोई सिंगल लाइन कमिटमेंट देनी कमेंट देना है तो आप हैश यूज़ कर सकते हैं। हैश के आगे आप जो भी लिखेंगे वो आपके प्रोग्राम में यूज़ नहीं होगा, दैट इज़ ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन। तो इससे आपको प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी। तो आपका प्रिंट सिंपल डिस्प्ले के लिए भी यूज़ होता है, ऑटो कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ होता है, वेरिएबल का भी आउटपुट ले सकते हैं और उसके साथ अगर आपको डबल प्रिंट लेना है तो स्लैश एन कर सकते हैं, दो चीज़ें चाहिए तो बीच में कॉमा से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रिंट के साथ यूज़ होती हैं।